हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर में। दोस्तों आज हम केवाईएस के एक नए एपिसोड के साथ आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, नो योर स्टॉक्स के तहत दोस्तों ये केवाईएस का तो दोस्तों, केवाईएस के इस एपिसोड के तहत हम पहला स्टॉक्स जिसकी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे दोस्तों, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील दोस्तों। और जिसका सजेशन दोस्तों आया है तापस, ये जेएसडब्ल्यू स्टील का मंथली टाइम फ्रेम में एनएससी इंडिया पे प्राइस चार्ट है। विजुअली हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये एक मासिव अप ट्रेंडिंग मूव के बाद इसमें डाउन ट्रेंडिंग मूवमेंट स्टार्ट हुआ और प्राइस अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ के लोअर लो बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हुई। अब दोस्तों, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर ध्यान से देखें तो इस लेवल पे प्राइस ने 5 मंथ्स तक रेजिस्टेंस फेस किया और इस लेवल को ब्रीच करने में उसे प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये एक सप्लाई जोन था। जब प्राइस ने इसका ब्रेकआउट दिया जुलाई 2017 में, उसके बाद दोस्तों प्राइस ने एक अपसाइड मूव किया, लाइफ टाइम हाई बनाया। और ये करेक्शन के बाद, क्योंकि ये दोस्तों एक पैराबोलिक राइज था और जब भी कोई स्टॉक पैराबोलिक राइज करता है तो वो इलास्टिक एक्शन दिखाई देगा, जहां पे दोस्तों प्राइस में एक डीपर फॉल हुआ और प्राइस ने उसी जगह पे सपोर्ट लिया, क्योंकि ये पहले जो रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब दोस्तों, इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं कि ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन को अगर ध्यान से देखें तो प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन दिखाया, इस जगह पर रिजेक्शन दिखाया और यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया सितंबर 2019 में, और फाइनली दोस्तों इसका नवंबर 2019 में एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ और प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर चली गई। इसके बाद दोस्तों अपसाइड मूवमेंट में ईएमए 21 पे एक रेजिस्टेंस ऐसे फील हुआ, बुल्स ने प्राइस को पुश करके ऊपर ले गए, लेकिन हम एक मासिव रिजेक्शन देख सकते हैं और यहां पर दोस्तों प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई ईएमए 21 के ऊपर में। उसके बाद दोस्तों प्राइस ने ये डिसाइसिव सपोर्ट लिया ईएमए 55 के ऊपर में, क्योंकि आप देखिए इस जगह पे ईएमए 55 पे हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो अब यहाँ से रिवर्सल इंडिकेट कर रही है प्राइस ईएमए 55 के बाद। दोस्तों एक चीज और गौर करने वाली बात है कि हम ये मेजर इम्पल्सिव वेव का अगर रिट्रेसमेंट टेस्ट करें तो दोस्तों प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे, जो एक गोल्डन रेशियो है। और दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्लुएंसिंग एरिया साबित हुआ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन का भी एक सपोर्ट था जो पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। तो दोस्तों इसकी टेंडेंसी लग रही है कि इसने शायद इस जगह पे 200 के आसपास में एक बॉटम अपना फॉर्म कर लिया है। ऑल्दो दोस्तों करंट मंथ की कैंडल यहां से रिवर्सल दर्शा रही है, लेकिन करंट मंथ की कैंडल अभी समाप्त नहीं हुई है। तो चलिए अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम ये वीकली टाइम फ्रेम में आ गए। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि प्राइस एक डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद प्राइस ने एसएमए 233 पे सपोर्ट लिया और काफी इस जगह पे कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन हुआ, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने मंथली टाइम फ्रेम में खींची थी वो एक सपोर्ट की तरह वैलिड समझ में आ रही है। बॉटम वन, बॉटम टू, और यहाँ पर दोनों बॉटम के पास में हम देख सकते हैं एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ है और प्राइस ने सपोर्ट लिया एसएमए 233 के ऊपर, और फिर उसके बाद प्राइस ने दोस्तों अपसाइड मूव किया, यहाँ पे डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ और फिर प्राइस रिट्रेस करके दोस्तों फिर एसएमए 233 पे सपोर्ट लेने के बाद एक बुलिश पिन बार
अभी तक बनी है दोस्तों, वैसे वीकली कैंडल अभी भी समाप्त नहीं हुई है। अब दोस्तों चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को हम स्टडी कर सकें और क्या संभावित स्ट्रेटजी बन सकती है उसे जान सकें। अब दोस्तों हम वीकली डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली देख सकते हैं कि एक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में था और इस डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद लोअर हाइज एंड लोअर लोज का ये फॉर्मेशन कर रहा था। यहाँ पे देखिए दोस्तों एसएमए 55 ने ईएमए 55 ने एसएमए 233 को क्रॉस अंडर कर लिया, तो ये एक डेथ क्रॉस का फॉर्मेशन के बाद हमने एक बहुत मासिव फॉल देखा इसमें। और यहाँ पर दोस्तों आने के बाद प्राइस ने एक मल्टीपल बॉटम बनाया, यहाँ पे हम देख सकते हैं जिसका अपेक्स यहाँ था। तो दोस्तों मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ ताकि प्राइस एक्शन को समझने में आसानी हो। ये देखिए दोस्तों मैंने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने यहाँ पे क्यों खींची। यहाँ पे देखिए प्राइस का रिजेक्शन था, प्राइस का रिजेक्शन था और दोस्तों यहाँ पे फिर प्राइस ने सपोर्ट लिया और इसके बाद दोस्तों वंस अगेन प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके हम आज की कैंडल अगर देखें दोस्तों, क्योंकि ये एनालिसिस 3 मार्च को जब मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद में की जा रही है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वन वाइट सोल्जर का एक फॉर्मेशन हुआ है जो सिग्निफिकेंट है, वॉल्यूम में भी हमने राइज देखा। तो दोस्तों ये एरिया जो था एक एक्यूमुलेशन बैंड था और दोस्तों अगर ये डबल बॉटम का हम अपेक्स को देखें तो दोस्तों ये आप देखिए ये इसका क्लोजिंग बेसिस पे अपेक्स था जो यहाँ रेजिस्टेंस था। और दोस्तों अगर हम इस ब्रेक अवे कैंडल की बात करें दोस्तों जो एक बेरिश कैंडल है इसके हिसाब से अगर हम देखें तो दोस्तों इसका डबल बॉटम का ब्रेकआउट है यहाँ पर हुआ दोस्तों, प्राइस ने अपसाइड मूव किया और उसके बाद ये एक्यूमुलेशन बैंड क्लियर कट समझ में आ रहा है 205 से लेके दोस्तों 252 का जो जोन है ये एक एक्युमुलेशन बैंड है। हम देख सकते हैं पहले भी प्राइस इस जोन में आई थी और इसके बाद इसने रिवर्सल दिखाया था। तो दोस्तों ये एक एक्युमुलेशन बैंड के बाद लग रहा है कि ये एक अपसाइड मूव के लिए रेडी है। इसके अलावा दोस्तों अभी हमने डेथ क्रॉस की बात की थी, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ईएमए 55 ने एसएमए 233 को यहाँ पे क्रॉसओवर कर लिया है, तो दोस्तों यहाँ पर गोल्डन क्रॉस का भी फॉर्मेशन हो गया है। तो दोस्तों इन सारी एनालिसिस से ये लगता है कि एक इसमें इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड को लिया जा सकता है और हम अपने स्टॉप लॉस को दोस्तों यहाँ रख सकते हैं जो जहाँ इसने बॉटम बनाया है 200 हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम ट्रेंड को राइड कर सकते हैं दोस्तों। और जो लेस अग्रेसिव ट्रेडर है दोस्तों वो इंतज़ार कर सकते हैं प्राइस का। दोस्तों ये जो लेवल है एसएमए 233 का, प्राइस जब इसके ऊपर चली जाती है तब एंट्री करें, तो उस समय पे स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों। ये जो मैं आपको डिमांड बैंड यहाँ पर जो क्रिएट हो जाएगा उसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ दोस्तों। आप देखिए मल्टीपल सपोर्ट है यहाँ पर, सपोर्ट है और दोस्तों यहाँ पर भी प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, तो 242 से 180 बिलो हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं उनके लिए जो इस जगह पे एंटर कर रहे हैं और उनका पर्सपेक्टिव जिनका ट्रेडिंग करने का पर्सपेक्टिव है ट्रेंड को राइट करने का और स्टॉप लॉस का ट्रेल करने का। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से दोस्तों 200 एक अच्छा स्टॉप लॉस होगा और हम एक इसे मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद ये इंडिकेट कर रहा है कि अक्यूमुलेशन बैंड से बाहर जाके ये मार्कअप फेज में आ गया है जहां हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने की संभावना काफी प्रबल हो गई है। तो दोस्तों आज का सेकंड स्टॉक है जिसकी हम एनालिसिस करेंगे वो है दोस्तों एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसे हम एचडीएफसी एएमसी के नाम से एनएससी के ऊपर में जानते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो सजेशन आया है वो आया है
ये एचडीएफसी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का स्टॉक है दोस्तों, हम देख सकते हैं कि एक मासिव अप ट्रेंडिंग मूव में था। ऑल्दो दोस्तों मंथली चार्ट में बहुत ज़्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसकी लिस्टिंग अगस्त 2018 में ही हुई है, तो लेकिन दोस्तों हम देख सकते हैं कि एक मासिव अप ट्रेंडिंग मूव के बाद इसमें एक करेक्शन हुआ है दोस्तों, और ये करेक्शन दोस्तों इनफैक्ट क्लियर कट नज़र आ रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है इसे अक्यूमुलेट करने की। और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम इस इम्पल्सिव वेव को मेजर करके रिट्रेसमेंट देखें तो प्राइस ने दोस्तों दिसंबर 2019 में 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे एक सपोर्ट लिया, और उसके बाद दोस्तों प्राइस एक कंसोलिडेट कर रही है 38.2% एंड 23.6% बैंड के बीच में, 23.6% फिलहाल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है जो यहाँ पे क्लियर हम फॉर्मेशन को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो प्राइस में एक डीपर करेक्शन हुआ और प्राइस ने ईएमए 21 के ऊपर में सपोर्ट लिया जो एक कन्फ्लुएंसिंग एरिया था 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल का, ईएमए 21 का सपोर्ट। और दोस्तों अगर यहाँ देखें तो ये पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचता हूँ दोस्तों ताकि आपको क्लैरिटी आ सके, तो यहाँ देखिए यहाँ पहले रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट बन गया, तो एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्लुएंसिंग जोन था 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का। इसके अलावा प्रायर रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है एंड ईएमए 21 का सपोर्ट। इसके पहले यहाँ पर भी देखें दोस्तों तो करेक्शन के बाद ईएमए 21 पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था, अभी हम देख सकते हैं प्राइस एक कंसोलिडेट कर रही है दोस्तों ईएमए 21 के पास में, तो ये सिग्निफिकेंट है कि प्रोबेबली ये जो लेवल है मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ कि ताकि हम एक्शन को समझ सकें। तो दोस्तों देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड बैंड की तरह क्रिएट हो गया है इस प्राइस चार्ट पर। अब चलिए दोस्तों हम डेली टाइम में चलते हैं और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेम में चल रहे हैं ताकि हम रीसेंट प्राइस एक्शन को स्टडी कर सकें और अपने डिसीजन को अकॉर्डिंगली ले सकें। दोस्तों ये डेली टाइम फ्रेम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन कर रही थी और प्राइस ने यहाँ पर एक करेक्शन लिया और इस जगह पे देखिए यहाँ पे टॉप बॉटम था, यहाँ पे बॉटम था जो इस रेजिस्टेंस जोन पे था दोस्तों। अभी फिलहाल दोस्तों प्राइस एक रेंज बाउंड है और वो रेंज है दोस्तों 3350 से लेकर डाउन साइड की जो रेंज है वह 2990 की। अब दोस्तों आज की कैंडल अगर हम देखें तो उसमें डाउनसाइड मोमेंटम का क्लियर कट अभाव नज़र आता है और एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से अगर एक प्राइस एक्शन खींचने की कोशिश करें, देखिए दोस्तों यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और वंस अगेन इस जगह पे ये एसएमए 144 का भी एक कन्फ्लुएंसिंग एरिया है। तो दोस्तों ये स्टॉक ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अच्छा नज़र आता है, केवल इसमें यह है दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अगर हम इसमें देखें दोस्तों तो ये मैं एक लाइन खींच रहा हूँ दोस्तों, ये लाइन अगर डिसाइसिवली डाउन साइड में ब्रेकडाउन होती है तो दोस्तों ये आप देखिए एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन होगा, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है, तो ये ट्रेंड लाइन जो है केवल ट्रेंड लाइन नहीं है ये नेक लाइन भी हो सकती है। तो दोस्तों हमें स्ट्रेटजिकली करना क्या चाहिए दोस्तों, हमें इसमें एंट्री करने के लिए हम इस जगह पे एंटर कर सकते हैं जब ये रेजिस्टेंस बैंड को प्राइस ऊपर चली जाए, मीन्स 3400 के ऊपर में जब ट्रेड होने लगे वहाँ हम एंट्री कर सकते हैं, वो एक बेहतर एंट्री पॉइंट होगा और उस समय पे हमारा स्टॉप लॉस जो है दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींची है इससे 180 नीचे रख के हम ट्रेंड को राइड कर सकते हैं एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर इसका कोई ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस
कोई फॉर्चून टेलिंग की मेथड नहीं है, हम प्राइस एक्शन के द्वारा समझते हैं। क्योंकि अगर दोस्तों मैं एक्सप्लेन करता हूं, अगर इसका यहां ब्रेकडाउन हो गया तो आप देखिए, ये मैं मेजर करता हूं, इसके और बड़े करेक्शन की संभावना हो सकती है। और ये तब दोस्तों आप देखिए, ये करेक्शन होके इवन 2100 के रेंज में भी आ सकता है, या दोस्तों ये 61.8% जो रिट्रेसमेंट लेवल है जो 2280 पर है, वहाँ तक करेक्शन हो सकता है। तो बेहतर है कि हम इसके फॉर्मेशन को कंप्लीट होने दें। तो इस लेवल के ऊपर में 3400 के ऊपर में जब ट्रेड होने लगता है, तब एंट्री ज़्यादा बेहतर होगी दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टॉक में। क्योंकि अगर इसमें डीपर करेक्शन हुआ और ये एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन हुआ दोस्तों, तो ये हमें और सस्ते भाव में मिल सकता है। तो दोस्तों आज का अगला स्टॉक है वो है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, SBI का दोस्तों, जिसकी हम एनालिसिस पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। और इसका सजेशन दोस्तों आया है, वो आया है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मंथली टाइम फ्रेम में NSE पे प्राइस चार्ट है दोस्तों। हम सबसे पहला ऑब्जर्वेशन एक कर सकते हैं कि इस प्राइस चार्ट में एक स्मूथनेस नहीं है और बहुत क्लियर कट पिक्चर इमर्ज होके नहीं आ रही है। केवल हम प्राइस एक्शन के द्वारा कुछ इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है जो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस था प्राइस का, मल्टीपल रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं, और दोस्तों बाद में सपोर्ट था, फिर इसका ब्रेकडाउन हो गया, फिर प्राइस उसके ऊपर चली गई तो फिर ये सपोर्ट की तरह काम करने लगी। और दोस्तों रीसेंट टाइम में एक और ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में ये SMA 89 जो है ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है। यहाँ देखिए प्राइस ने सपोर्ट लिया, इस जगह पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, तो दोस्तों ये एक एक्शन हुआ। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ध्यान से देखें तो दोस्तों प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन दिखाया, रिजेक्शन रिजेक्शन, और इसका यहाँ ब्रेकआउट हो गया, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई, फिर दोस्तों प्राइस उस टेरिटरी में आ गई जो ये बैंड है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम देखें एक प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार, तो 321 से लेकर 355 का जो जोन है वो एक सप्लाई बैंड की तरह बन गया है, और नीचे साइड में हम 240 के आसपास में इसमें एक सपोर्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम में कुछ भी ऐसा अभी प्राइस एक्शन नहीं है जो सजेस्ट करे कि इसमें हमें बाई करना चाहिए। चलिए वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं, एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हम वीकली टाइम फ्रेम में आ गए, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं दोस्तों कि प्राइस ने यहाँ डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया। ये देखिए डबल बॉटम है, डबल बॉटम है, लेकिन प्राइस ने अपसाइड मूव किया। जब तक दोस्तों ये डबल बॉटम का अपेक्स जो है ये 370 के ऊपर में ब्रेकआउट नहीं होता है, तो दोस्तों हम कुछ भी इसमें नहीं बोल सकते हैं कि क्या संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एक ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं, मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। ये दोस्तों देखिए प्राइस इस पर रेजिस्टेंस ले रही है, रिजेक्शन रिजेक्शन मल्टीपल रिजेक्शन रिजेक्शन। तो दोस्तों इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में जब तक प्राइस डिसाइसिवली ट्रेड नहीं करती है, तो दोस्तों ये अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस को टेकआउट कर लेगी प्राइस और ऊपर जाने की संभावना बनेगी। लेकिन फिर भी इसके ब्रेकआउट के बाद में भी बहुत सप्लाई है दोस्तों इसमें 355 तक जोन में। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में हम क्या देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर एक कंसोलिडेट किया, डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया, और इस डबल बॉटम का जो अपेक्स था मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों एक अपेक्स था जहाँ पे प्राइस ने पहले सपोर्ट लिया था, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो दोस्तों ये एक एक्युमुलेशन बैंड लग रहा है। लेकिन ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। यहाँ रिजेक्शन है, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। अगर हम इस ट्रेंड लाइन का एक क्लोन बना के देखें तो दोस्तों मैं क्लोनिंग कर रहा हूँ इसकी, और ये देखिए मैंने इसका दोस्तों ये ठीक से नहीं आया है, मैं इसे रीड्रॉ करता हूँ।
इसे मैं लेट मी रिमूव, तो मैं इसे रिमूव करता हूँ और इस ट्रेंड लाइन को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये रीसेंट प्राइस एक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों रिजेक्शन 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 और इस ट्रेंड लाइन की अगर हम क्लोनिंग करें दोस्तों, तो ये देखिए इसे हम क्लोन करके नीचे प्लेस करना चाहते हैं ताकि हम प्राइस के बिहेवियर को समझ सकें। तो दोस्तों अब आपको क्लैरिटी नज़र आ रही होगी कि ये प्राइस एक फॉलिंग चैनल के अंदर में ट्रेड हो रही है। देखिए प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और फिलहाल अगेन यहाँ सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है और अपर लाइन जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो दोस्तों जिस साइड में इसका ब्रेकआउट होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर प्राइस अपर साइड में जाके ब्रेकआउट करती है तो दोस्तों हो सकता है ये थ्री ड्राइव पैटर्न का भी एक फॉर्मेशन हो। आप 1, 2, 3 यहाँ से प्राइस ऊपर जाए और इसका ब्रेकआउट हो, और इसका अगर ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो शायद संभावना इसमें बनेगी। लेकिन दोस्तों बड़ा कंफ्यूजिंग चार्ट है, प्राइस अभी भी एसएमए 233 के नीचे में ट्रेड हो रही है। एसएमए 144 एसएमए 233 के नीचे है दोस्तों, तो वर्चुअली देखा जाए तो इसमें कोई डिसाइसिव ट्रेंड नहीं है दोस्तों। ये केवल बहुत दिनों से अगर हम बात करें तो ये नवंबर 2019 से केवल इस चैनल के अंदर में काम कर रहा है जो फॉलिंग चैनल है दोस्तों। अब किस साइड में ब्रेकआउट होगा उसके बाद में तय कर सकते हैं कि क्या हमें इसमें डिसीजन लेना है। फिलहाल दूर रहना मेरे ओपिनियन में सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बैंकिंग क्षेत्र में स्टॉक हैं जो क्लैरिटी के साथ में हमें दिशा बता रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि SBI में ही हमें निवेश करना है या ट्रेड करना है। तो दोस्तों इस एपिसोड का KYS के तहत फोर्थ स्टॉक है, वो है अरबिंदो फार्मा का, जिसकी हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे दोस्तों और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी या पोजिशनल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी इसके चार्ट में ऐसे फॉर्मेशन है जो हमें उस दिशा में इंडिकेशन दे रहे हैं। और दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो सजेशन चैनल के ऊपर में आया है वो आया है दोस्तों के ये अरबिंदो फार्मा का मंथली टाइम फ्रेम पे NSE के ऊपर में प्राइस चार्ट है। हम क्या दोस्तों देख सकते हैं कि ये एक मासिव अप ट्रेंडिंग मूव में था और इसने दोस्तों एक जो पैराबोलिक राइज किया है वो 75 रुपीज से लेकर इसने जो एक राइज किया दोस्तों वो करीब 895 तक का इसने या 898 का हाई बनाया दोस्तों। तो ये कंटिन्यूसली बुलिश रन में था। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें बाद में करेक्शन की जो शुरुआत हुई इस जगह पे इसने लोअर लोज एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन किया और इसके बाद दोस्तों प्राइस में गिरावट यहाँ पर थमती हुई नज़र आई और यहाँ पर हम मोमेंटम का डाउन साइड में एक लॉस क्लियर कट देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें रिवर्सल नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस मेजर इंपल्सिव वेव को रिट्रेसमेंट चेक करने की कोशिश करें तो प्राइस ने दोस्तों 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पर एक डिसाइसिव सपोर्ट लेके यहां पे हम देख सकते हैं कि नवंबर 2019 की जो कैंडल का लोअर शैडो है वो काफी बड़ी शैडो है जो इंडिकेट करती है कि बेयर्स ने प्राइस को पुश करके नीचे लाने की कोशिश की बट उसमें बाइंग होती हुई नज़र आई। और इसके बाद देखिए दोस्तों एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है और यहाँ पर हम देखें दोस्तों तो एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा गौर करने वाली बात है कि अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो ये देखिए दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और दोस्तों उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि फरवरी 2020 की कैंडल में अपसाइड देखे अपर शैडो काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। तो दोस्तों रिवर्सल तो नज़र आ रहा है। चलिए दोस्तों फर्दर एनालिसिस के लिए वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं।
तो दोस्तों ये हम वीकली टाइम फ्रेम में आ गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस एक्शन के अनुसार कि दोस्तों यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लाइन जो है ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन, प्राइस रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, तो एक रेजिस्टेंस लाइन है। इसके अलावा दोस्तों हम देखें तो यहाँ पर एक लो बनाया इसने, सेकंड लो और ये थर्ड लो है दोस्तों। तो ये भी हो सकता है कि थ्री ड्राइव पैटर्न के बाद में ये एक रिवर्सल यहाँ दर्शा रहा हो। अब दोस्तों इस वीकली टाइम फ्रेम में केवल इतना बोल सकते हैं कि प्राइस फिलहाल ईएमए 21 के ऊपर में सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन के आधार पर हम समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये हम देख सकते हैं मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में था और प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन कर रही थी। इसके बाद दोस्तों हम क्या देख सकते हैं, इस जगह पे लोअर लो बनाने की प्रक्रिया में हॉल्ट हुआ और ये प्रॉब्लम एक एक्युमुलेशन बैंड समझ में आता है। चलिए दोस्तों अगर ये डाउन ट्रेंडिंग मूव है तो क्या हमें कोई चार्ट पैटर्न नजर आता है, तो हम देखते हैं दोस्तों। प्राइस ने यहाँ किया लेफ्ट शोल्डर बनाया, प्राइस अपसाइड गई और फिर नीचे जाके दोस्तों इसने ये हेड का फॉर्मेशन किया और इसके बाद हम यहाँ पर देखें दोस्तों तो राइट शोल्डर का फॉर्मेशन है और इसका दोस्तों यहाँ पर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ। प्राइस अपसाइड मूव करके गई, रिट्रेस करने के बाद नेकलाइन के पास में आके इसने टेस्ट किया और इसके बाद दोस्तों अभी हम रीसेंट प्राइस एक्शन को देखें दोस्तों तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि इस जगह पे आप देखिए एक ब्रेक अवे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था ये रेजिस्टेंस एरिया को और ये कैंडल बनी थी दोस्तों 19 फरवरी 2020 को और इसके बाद में दोस्तों प्राइस में एक अपसाइड मूव दिखाया 20 फरवरी को भी और उसके बाद दोस्तों एक मासिव फॉल आया और गैप डाउन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और ये फॉर्मेशन है दोस्तों कब 24 फरवरी को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आने के बाद प्राइस में एक कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है और प्राइस दोस्तों इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर को रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों इसमें हमारी संभावित स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि तो फिलहाल दोस्तों प्राइस एसएमए 233 के नीचे है, सारे मूविंग एवरेजेस एक्सेप्ट ईएमए 21 ईएमए 55 के ऊपर है दोस्तों। तो फिलहाल केवल एक चार्ट पैटर्न ये है जो हमें इंडिकेट करता है कि इसमें पॉसिबल रिवर्सल नज़र आ रहा है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर प्राइस एक्शन के अनुसार ये मैं एक लाइन खींच रहा हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए रिजेक्शन 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 और इस जगह पे फिर प्राइस ने सपोर्ट लिया और इसको और हम फाइन ट्यून करें दोस्तों, यहाँ पर रिजेक्शन यहाँ पर सपोर्ट, तो दोस्तों 470 का एरिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नज़र आ रहा है दोस्तों। तो हमारी संभावित स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक बार हम पिछली इम्पल्सिव वेव को भी देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछली इम्पल्सिव वेव ये जो फॉर्म हुई थी यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद हम देख सकते हैं गैप अप कैंडल का फॉर्मेशन है और इसके बाद प्राइस दोस्तों उसी लेवल पे आके हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये देखिए मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों 490 से लेकर हम यहाँ तक बोल सकते हैं कि 465 तक एक एक्यूमुलेशन बैंड बन गया है जो एक डिमांड बैंड की तरह एक्ट करेगा। आज की कैंडल अगर हम देखें दोस्तों तो एक बुलिश कैंडल है, गैप अप ओपनिंग है, इनविजिबल गैप है, लेकिन दोस्तों वन वाइट सोल्जर नहीं बना क्योंकि इसने ये जो बुलिश कैंडल है इसका हाई जो बेरिश कैंडल के ऊपर में क्लोज नहीं हुआ। तो हमारी लॉन्ग ट्रेड का बायस तो जरूर है दोस्तों। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि दोस्तों ये जो एक्युमुलेशन बैंड है अगर ये एक डबल बॉटम है तो इसका इमीडिएट अपेक्स कहाँ है वो अपन ड्रॉ करते हैं। तो ये अपेक्स को हमने ड्रॉ कर लिया दोस्तों, तो ये अपेक्स है 522.55। तो जब दोस्त प्राइस 522
0.5 के ऊपर में ट्रेड होने लगे तो वो एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है। तो हम इसमें स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, हम 523 के ऊपर में बाय स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं। अगर वो ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे, अन्यथा हम ट्रेड में नहीं होंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, प्रीवियस स्विंग लो जो है दोस्तों ये है 481, तो हमारा स्टॉप लॉस 478 के आसपास उस केस में रह सकता है और हम तब ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। एंड ट्रेंड को राइड करने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी दोस्तों, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये ट्रेंड लाइन खींची, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट वंस अगेन यहाँ सपोर्ट ले रही है। तो वंस दोस्तों हमारा अगर एंट्री 523 के ऊपर में ट्रिगर होता है तो ये ट्रेंड लाइन हमें मदद कर सकती है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में और ट्रेंड को राइड करने में। तो दोस्तों इस एपिसोड का फिफ्थ एंड आखिरी स्टॉक है दोस्तों, वो है दोस्तों इन्फो एच का, इन्फो एच इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इसकी लिस्टिंग जो हुई थी दोस्तों वो naukri.com के नाम से हुई थी और दोस्तों इसके कई वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, जैसे मेट्रोमोनी साइट भी है, इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड साइट भी है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टॉक की हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के फ्यूचर बिजनेस का क्या इंडिकेशन चार्ट के ऊपर में दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इसका सजेशन दोस्तों जो आया है वो आया है रमेश। ये इन्फो एच का मंथली टाइम फ्रेम में एनएससी पे प्राइस चार्ट है। हम विजुअली देख सकते हैं कि ये एक मासिव अप ट्रेंडिंग मूव में है और दोस्तों हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। दोस्तों इसका ट्रेंड इतना स्ट्रांग है दोस्तों कि पिछले कई महीनों से इसने इवन ईएमए 21 को भी टेस्ट नहीं किया है। इस जगह पे इसने जो टेस्ट किया उसके बाद जब भी करेक्शन हुआ, बड़े शैलो करेक्शन हुए हैं जहां तक मंथली चार्ट का सवाल है। अगर हम ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन पे अटेंशन पे करें तो दोस्तों ये करेक्शन हुआ, प्राइस ने इस जगह पे सपोर्ट लिया, हम देख सकते हैं इक्वल बॉटम का एक ट्वीजर बॉटम का फॉर्मेशन हुआ और इसके बाद दोस्तों प्राइस ने यहाँ ब्रेकआउट दिया इस रेजिस्टेंस को। तो ये जो बैंड है दोस्तों 1836 से लेकर 2368 का जो बैंड है वो एक डिमांड बैंड की तरह क्रिएट हो गया है। इसके बाद दोस्तों प्राइस ने एक साइजेबल करेक्शन किया फरवरी 2020 में और देखिए एक लार्जर शैडो इंडिकेट करती है कि जो पहले यहाँ रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और दोस्तों इस करंट मंथ की कैंडल भी बुलिश है दोस्तों और हम देख सकते हैं एक गैप अप ओपनिंग है क्योंकि पिछले मंथ की कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो थी दोस्तों 2593.35 और इस मंथ की कैंडल की जो ओपनिंग है वो है दोस्तों 2648। तो दोस्तों इसमें बाइंग एक्शन जैसे शुरुआत हो चुकी है ऐसा महसूस हो रहा है। अब चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये हम वीकली टाइम फ्रेम में आ गए, अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं दोस्तों कि प्राइस ने जो रिसेंट करेक्शन किया यहाँ पर आप देखिए, पहले ये पॉइंट ऑफ रिजेक्शन था, रिजेक्शन और ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन अब सपोर्ट की तरह काम कर रही है। प्राइस ने पहले यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया और दोस्तों ईएमए 21 पर भी सपोर्ट पर रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है क्योंकि लास्ट वीक की कैंडल जो है उसकी बेयर्स ने प्राइस को पुश करके नीचे लाने की कोशिश की और प्राइस ऑलमोस्ट नियरली ईएमए 55 के पास में, इसका हम शैडो दे सकते हैं लोअर शैडो, और प्राइस में रिकवरी हुई और प्राइस ईएमए 21 के ऊपर में क्लोज हो गई। इस वीक की कैंडल भी बुलिश कैंडलस्टिक बन रही है, ऑल्दो दोस्तों वीकली कैंडलस्टिक कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसलिए दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेम में क्या देख सकते हैं, पॉइंट ऑफ रिजेक्शन, 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 यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आती हुई नज़र आ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें अगर हम प्राइस एक्शन एनालिसिस के अलावा दोस्तों हम देखें तो प्राइस ने यहाँ पर एसएमए 144 पे क्लियर कट सपोर्ट लिया है। अब मैं रीसेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ करता हूँ दोस्तों। ये आपको देखिए मैंने
ये मैंने ड्रॉ किया लाइन। अब दोस्तों एक और मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। तो दोस्तों आप देखिए ये एक डिमांड एरिया है जहां से प्राइस ऊपर बाइंग एक्शन आते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों ये एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक नजर आता है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और दोस्तों इसमें हम सिंपल स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और हमारा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्ट्रेटजी अगर हम प्राइस एक्शन को देखें दोस्तों, तो ये पिछले सारे प्राइस एक्शन सजेस्ट करते हैं कि प्राइस में जब भी डीपर करेक्शन होता है, आप देखिए ऐसे में 233 पे प्राइस सपोर्ट लेके फिर रिवर्स करती है, 233 पे सपोर्ट लेके रिवर्स करती है वंस अगेन दोस्तों 233। तो हमारा दोस्तों ऐसे में 233 अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो हमारा ये व्यू होना चाहिए कि जब भी प्राइस ऐसे में 233 के नीचे क्लोज होती है तभी हमें इस पे एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज ट्रेंड को राइड करना चाहिए। और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए प्राइस एक्शन सजेस्ट करता है ऐसे में 233 अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है जो राइजिंग मूविंग एवरेज है। और इसीलिए हमें इस ग्रे लाइन को जो ऐसे में 233 है ये हमें ट्रेलिंग स्टॉप के स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको इस KYS का एपिसोड पसंद आया है, इस एनालिसिस करने का अप्रोच मल्टी टाइम फ्रेम